100 साल की उम्र में अच्छे अच्छों के जोड़ जवाब दे जाते हैं, उठने बैठने तक में दिक्कत होने लगती है। ऐसे ही 100 साल की एक वृद्धा रशीदन बी का दादाबाड़ी के भारत विकास परिषद में डॉक्टर्स ने कुल्ले की हड्डी का सफल ऑपरेशन किया है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह चमत्कार किया है डॉक्टर विश्वास शर्मा ने। मोड़क निवासी 100 वर्षीय श्रीमती रशीदन का इस तरीके का सफल चैलेंजिंग ऑपरेशन पहली बार हुआ है। श्रीमती रशीदन को कई सालों से काम करने में और चलने फिरने में काफी दिक्कत थी। इस पर वह भारत विकास परिषद अस्पताल में आई, जहां उन्होंने पहले परामर्श मांगा। परिजनों को नई तकनीक से ऑपरेशन की सलाह दी गई तो परिजन भी इसके लिए तैयार हो गए, जहां जांच के पश्चात एक सफल ऑपरेशन किया गया। जी, हमारी वालदा काफी टाइम से बिस्तर पे थी और एक रोज वो उठ के पलंग से और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खुद ही जाती थी, लेकिन वो गिर पड़ी तो उनके कूल्हे की हड्डी और कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, कंधे में फ्रैक्चर आ गया। तो हमने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया तो सबने ये कहा कि भाई कब तक इनको पलंग पे रखोगे, तो ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। और उन लोगों ने इस चीज़ की सहमति दी। हमने फिर पूरी तरह से उनकी जांच करी, हार्ट स्पेशलिस्ट, क्योंकि उनको हार्ट प्रॉब्लम भी थी, हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया, हमारी एनेस्थेटिक टीम डॉक्टर सूरी, डॉक्टर रितु मेघवाल, इनको दिखाया। इन लोगों ने भी अच्छे से असेस करने के बाद डिसीजन लिया कि हाँ, इनको ऑपरेट किया जा सकता है अगर अपन ICU बैकअप में इनको रखेंगे फिर ऑपरेशन के बाद। तो ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर की दया से हमने इस ऑपरेशन को किया और मैं ऑपरेशन से संतुष्ट हूँ।